प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अरबी के पकौड़े बनाना बताएंगे। तो इस तरीके हमने अरबी के पत्ते ले लिए हैं, अच्छी तरीके धुल लिया है। ये हमने बेसन ले लिया है, आधा चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच नमक है, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। एक बड़ा साइज टमाटर ले लिए हैं, चुटकी भर हींग डालेंगे। एक मक्खन ले लिए हैं, अमूल का मक्खन है। एक बड़ा चम्मच दाल हमने भिगो दिया था चने की, ये बढ़िया से फूल गई है। तो सभी सामग्री रेडी है, तो आइए अरबी के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। बेसन में जीरा सौंफ हल्दी पाउडर नमक डाल देते हैं। चुटकी भर हींग डाल देते हैं। अब हम मक्खन डाल देते हैं। मक्खन डालने से अरबी के पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम अच्छी तरीके मिला देते हैं। ये हमने अच्छी तरीके मिला दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हम इस तरह बनाएंगे कि ना ही ज्यादा पतला हो ना ही ज्यादा गाढ़ा हो। तो इस तरीके हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरीके पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, ये देखिए इस तरीके का होना चाहिए। अब इसे हम बगल में रख देते हैं। अरबी का इस तरीके जो डंठल है इसे हम चाकू की सहायता से काट देते हैं। ये हमने इस तरीके निकाल दिया है, तो जितना हमें ज़रूरत है उतना हम पत्तों का डंठल निकाल कर तैयार कर लेते हैं। और इस तरीके बेलन से इसे हम बेल देंगे, ये देखिए। ये हमने इस तरीके बेल कर तैयार कर लिया है, तो इस तरीके हम पत्तों को सीधा करेंगे। तो आइए इसमें हम पेस्ट लगाते हैं और इसमें इस तरीके हम पेस्ट लगा देते हैं। अच्छी तरीके हमने पेस्ट पत्ता में लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर दूसरा पत्ता रखेंगे और इस तरीके उल्टा करके रखेंगे, इसमें भी लगा देते हैं। इसी तरीके फिर एक पत्ता लगाएंगे, इसको हम ऊपर की ओर कर देंगे, ये देखिए। यह पकौड़ा बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरीके एक पत्ता और लगाएंगे। तो जितने परत के आप पकौड़े पसंद करते हो उतना पत्ता लगाकर बना लीजिए।
तो अब इस पत्ते का हम रोल बना लेंगे। इस तरीके हम रोल कर देते हैं। ये देखिए कितना आसानी से बन रहा है, इसलिए कि हमने बेलन की सहायता से इसे बेल दिया है। ये आपस में बढ़िया से चिपक गए हैं तब्बे पर। इसमें हम इस तरीके डंडी लगा देते हैं ताकि ये खुले ना। तो इसी तरीके हम पत्तों में बेसन लगा के रोल बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने दो रोल बना के तैयार कर लिया है। तो आइए इन्हें पकाते हैं। कढ़ाई में हमने पानी रख दिया है, पानी काफ़ी गर्म हो चुका है। तो इस तरीके हम जाली रख देते हैं। जाली के ऊपर हम रोल रख देंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। जब तक अरबी के पत्ते के रोल पक रहा है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच सरसों तेल डाल दिए, 3-4 कली लहसुन अदरक डाल देते हैं। इसे हल्का भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं भूनना है लहसुन अदरक को, हल्का सी रोस्ट करना है ताकि इसमें का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हल्का रोस्ट हो गया है। अब हम भिगोई हुई चने की दाल डाल देते हैं। इसको भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। चने की दाल भी बढ़िया से रोस्ट हो गई है। तो अब हम छोटे पीस में टमाटर काट देते हैं। एक लाल तीखी मिर्च डाल देते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सी पानी डालना है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छी तरीके मिला देते हैं। अब हम 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। टमाटर अच्छी तरीके सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं, फिर इसे हम पीसेंगे। 10 मिनट हो चुका है, आइए चेक करते हैं। इस तरीके हम डंडी की सहायता से चेक करते हैं, डंडी में नहीं लग रहा है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अच्छी तरीके पक के तैयार हो गया, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। मिक्सी जार में पका हुआ टमाटर डाल दिए हैं। अब इसे हम महीन पीस लेते हैं। ये देखिए चटनी बनके तैयार हो गई है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे मिक्सी जार में और इसे भी अच्छी तरीके धुल के इस तरीके निकाल लेंगे बाउल में। तो चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए इसे थोड़ा अच्छी तरीके मिला देते हैं। तो चटनी रेडी हो गई है। तो आइए अरबी के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। अभी काफ़ी गर्म है तो इसे हम चिमटे की सहायता से थाली में निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके बन के तैयार हुआ है। तो इसे हम चाकू की सहायता से पतले पीस में काट देते हैं। तो इसे हम चाकू की सहायता से काट लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लेयर बनी है। अभी काफ़ी गर्म है इसलिए सही से नहीं कट रहा है, मगर हमारे बच्चे जिद कर रहे हैं इसलिए हमें गर्म ही गर्म बनाएंगे। तो सभी अरबी के पकौड़े हमने काट लिया है। तो आइए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में एक कलछुल सरसों तेल डाल दिए, तेल अच्छी तरीके गर्म हो चुका है। तो इस तरीके हम अरबी के पकौड़े डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसे हम पलटेंगे ताकि दोनों तरफ बढ़िया से फ्राई हो जाए। ये देखिए तो अच्छी तरीके अरबी के पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और सभी अरबी के पकौड़े निकाल कर तैयार कर लेते हैं।
ये देखिए अरबी के पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं और साथ में हमने टमाटर की चटनी रख लिया है। तो आइए अब सर्व करते हैं। तो आज की अरबी की पकौड़े की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। हमने अरबी के पकौड़े को गर्म में ही गर्म काटा था, इसलिए थोड़ा लेयर खुल गई है। आप ठंडा होने के बाद काटिए, तब इस तरीके खुलेगा नहीं। अब इसे हम खाएंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है, तो आप भी बनाइए। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। हमारी रेसिपी शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर इस तरीके अरबी के पत्ते के पकौड़े बनाएंगे तो बच्चे मांग मांग के खाएंगे।